अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिवर्सिटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया वो टॉपिक रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, ये बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन नंबर 2 है और हम चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं जो कि फ्लूइड डायनेमिक्स है। और फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में डिटेल में मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। आप इसके बाकी पहले 6 लेक्चर लिया, आपको अच्छा चैप्टर जो है वो बड़ा अच्छा ध्यान होगा। तो टॉपिक वगैरह स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना है के स्पीड और प्रेशर, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है जब आप किसी फ्लूइड को स्टडी कर रहे हो। सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड आप गैस और लिक्विड दोनों को कहते हैं अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो। सबसे पहले दरिया है, आंधी है, फ्लड आता है, इन सब को हम फ्लूइड कहते हैं। तो क्या रिलेशन हमें मिलता है, रिलेशन है वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, एंड वेयर स्पीड इज लो प्रेशर इज हाई। इसका मतलब क्या है कि स्पीड और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करके देते हैं। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए टॉपिक, अगर ये आपको लॉन्ग आ जाए तो आप इसी तरह डेफिनेशन इसका प्रूफ करके आगे इसकी मैंने 5 एग्जांपल्स लिखी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रियल लाइफ में, इनमें से आप कोई एक को भी एक्सप्लेन कर दो ना थोड़ा सा तो आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे 5 पूरे। वैसे ये कभी लॉन्ग आया नहीं, अगर आ जाए तो आपके लिए अच्छी चीज है ये। अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, इसमें से जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने लिखे हैं, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस बात को प्रूफ करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहां पर एक वेरिएबल पाइप ली, उस पाइप को इस तरह लिया है कि उस पाइप की जो हाइट है वो सेम हाइट पर पड़ी, जमीन के ऊपर ऐसे पाइप ना साथ जुड़ा हुआ, जमीन के साथ जुड़ा हुआ पाइप, ठीक है, इस तरह जमीन के ऊपर पड़ा हुआ पाइप, मतलब पाइप का जो बारीक वाला एरिया वो भी जमीन के साथ लगा हुआ है, इस तरह की पाइप है। तो हमें पता है कि हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरिया यहां पर ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी थोड़ी होगी, एरिया यहां पर कम है यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो हमने अपने से लेट कर लिया, लेट इस वाले पॉइंट पर ना वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड और इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। ऊपर हमने ना प्रेशर गेजे लगाई है, इन प्रेशर गेजेस की मदद से हम ना प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ए और सी का सेम ही होगा इसलिए सी वाले को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ए और बी के दरमियान कंपैरिजन फाइंड करने से हम अपने इस रिलेशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली प्रूफ अब क्या करना है, हमने ये साबित करना है, हमने खुद लेट किया कि यहां वेलोसिटी कम है और यहां वेलोसिटी ज्यादा है। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि यहां प्रेशर ज्यादा है और यहां प्रेशर थोड़ा है तो हम इसका मतलब हमने अपने इस रिलेशन को प्रूफ कर लिया। तो हम जानते हैं कि ये बेसिकली बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन को सबसे पहले लिखते हैं, आप यहां पर लिख सकते हो बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। तो P1 प्लस 1 ओवर 2 रो डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस रो डेंसिटी G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और H1 हाइट इज इक्वल टू P2 प्लस 1 ओवर 2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब जैसा कि हम जानते हैं कि H1 इज इक्वल टू H2 विच इज इक्वल टू H, तो ये वाला फैक्टर खुद ब खुद अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा। या एक स्टेप करके देख लेते हैं कैसे एलिमिनेट हो रहा है। P1, अब P1 की जगह पर हम लिख देते हैं PA क्योंकि हम इस वाले को 1 ले रहे हैं। PA प्लस 1 ओवर 2 रो VA का स्क्वायर इसके बाद प्लस, अब इस वाले फैक्टर को हम वैसे ही खत्म कर सकते हैं ये दोनों फैक्टर क्योंकि हाइट सेम है, जब ये इधर आएगा तो माइनस होकर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको ना भी लिखे तो कोई इतनी जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू PB, ये प्रेशर है इस वाले पॉइंट पर PB प्लस 1 ओवर 2 रो VB का स्क्वायर। हमने साबित करना है कि दिस PA इज ग्रेटर देन PB। तो देखते हैं कि हम इसको साबित कैसे कर सकते हैं। हम इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं, PA माइनस PB। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने यह साबित करना था कि PA इज ग्रेटर देन PB, तो मैंने A को इस तरफ लेके आ गया। A में से B माइनस होके अगर कोई पॉजिटिव आंसर आया, 0 से बड़ा आंसर आया, इसका मतलब A इज ग्रेटर। अगर कोई नेगेटिव आंसर आया, 0 से छोटा आंसर आया, इसका मतलब B इज ग्रेटर और हमारा ये प्रूफ गलत हो जाएगा। तो देखते हैं जी पॉजिटिव आंसर आता है कि नहीं, और दूसरों का हम सिर्फ ले लेंगे उधर जाके 1 ओवर 2 रो, इसके पास भी 1 ओवर 2 रो है, इसके पास 1 ओवर 2 रो, वो कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले रहे हैं, इस तरह लिखने चले, ऐसे लिख लेते हैं A का स्क्वायर माइनस प्लस 1 ओवर 2 आई थिंक छोटी सी मिस्टेक, ये इस तरह आ गया, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का है V B का स्क्वायर। तो जरा पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेंगे,
मैं डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट्टी कर दूंगा साथ ही, माइनस पी बी इज इक्वल टू, या ऐसे भी लिखा रहने दे, ये माइनस का ना, तो माइनस वन बाय टू रो की वैल्यू डेंसिटी। अगर आपने वाटर लिया है, फॉर वाटर, वाटर के लिए इसकी डेंसिटी आप याद रखेंगे कि फॉर वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, रो इज इक्वल टू 1000 के जी पर मीटर क्यूब, और एयर के लिए होती है 1.29 आई थिंक, 1.29 है इस वक्त मेरे, तो 1000 ये हमने वाटर ले लिया, वाटर को हम पास कर रहे थे यहां से, और VA आपने कितना लिया है, VA हमने लिया 0.2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इनटू 1000 इनटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि V भी आपने 2 लिया, ये मैंने इसके साथ माइनस लगाया हुआ है। अच्छा, इसको हम आगे मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल के यहां पर इसकी जगह पर जब इस वाली इसका स्क्वायर लेके इसको डिवाइड करके करेंगे तो हमारे पास आएगा -20, और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2000। आगे हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, या फिर इसको आप पास्कल भी लिख सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन से ये देख सकते हैं कि जब हमने प्रेशर ए इस वाले प्रेशर में से इस वाले प्रेशर को माइनस किया तो हमारे पास 1980 जवाब आ रहा है। अगर 1980 जवाब आपके पास आ रहा है 1980 पास्कल, इसका मतलब क्या है कि जो पी ए है ये ग्रेटर है। बचा जब पी बी उधर जाएगा तो मैं इसको आपको यहां पर सॉल्व करके दिखाता हूं। ये देखें जी, पी ए इज इक्वल टू 1980 प्लस पी बी, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पी बी में कुछ ऐड हो रहा है तब वो उसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। तो यहां से हमने साबित कर दिया कि हमने खुद यहां पर वेलोसिटी थोड़ी ली थी और यहां का प्रेशर क्या आ गया, ज्यादा। इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड है कि जहां प्रेशर ज्यादा वहां वेलोसिटी थोड़ी, जहां प्रेशर कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन से। सबसे पहले मैंने लिखी है लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन, एक जहाज पहले रनवे में भागता है फिर वो हवा में उड़ना शुरू करता है। बचा जब वो रनवे में भाग रहा होता है तो नीचे एयर फ्रिक्शन बड़ी ज्यादा हो जाती है, परों के साथ बार बार एयर टकराती है, उसके नीचे टायर के साथ एयर टकराती है, तो जहाज के परों के नीचे उनका डिजाइन इस तरह किया होता है कि नीचे सरफ रखी जाती है, जहाज के परों के नीचे जो है वो एयर बहुत स्लो हो जाती है, और जहाज के परों के ऊपर क्योंकि खाली जगह है एयर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अब ऊपर वाली साइड पर, परों के ऊपर वाली साइड पर, लेट्स सपोज ये जहाज का अगर पर है तो इसकी ऊपर वाली साइड पर यहां पर वेलोसिटी अगर v1 है और यहां पर वेलोसिटी अगर v2 है तो आप वाज़ह देख सकते हैं कि यहां पर क्या बनेगा, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो इसका मतलब इस वाले ऊपर वाली साइड पर अगर प्रेशर p1 है और नीचे वाली साइड पर अगर प्रेशर p2 है तो आप ये कह सकते हैं कि p2 इज ग्रेटर देन p1। तो ये नीचे वाला प्रेशर क्योंकि ग्रेटर हो रहता है, ये फिर इस जहाज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, ये फिर इस जहाज को जहाज आगे रहता है, प्रेशर नीचे वाला ज्यादा होता रहता है और उस तरह मुसलसल इसको आगे की तरफ लिफ्ट मिलता रहता है और ये जहाज ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सी है, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल में आपने देखा होगा मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, शेन वॉर्न, सैयद अजमल, बेशुमार बॉलर जो हवा में गेंद को स्विंग करते हैं। अब वो हवा में गेंद कैसे स्विंग होती है, आपका जो क्रिकेट बॉल होता है ना, हार्ड बॉल होता है, वो मोस्टली इस तरह होता है कि उसके अंदर यहां पर सेंटर में एक धागा सा लगा होता है, वो जो सेंटर में धागा सा लगा होता है ना, उस धागे से हर एक बॉलर पकड़ता है गेंद को, हाफ साइड इस तरफ रखता है, हाफ साइड इस तरफ रखता है, तो एक साइड को बॉलर आप अक्सर देखते हैं वो क्रीम लगाते हैं बार बार और एक साइड को मुसलसल रगड़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं एक साइड को स्मूथ कर लेते हैं और एक साइड को रफ कर लेते हैं। यानी इधर वाली साइड अगर मैं कह दूं कि इधर वाली साइड रफ कर दी गई है और इधर वाली साइड अगर स्मूथ कर दी गई है क्रीम वगैरह लगा के, तो इस साइड पर जो एयर की स्पीड होगी अगर मैं उसको v1 कह दूं और इस साइड पर जो एयर की स्पीड होगी अगर मैं उसको v2 कह दूं, तो आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर इस तरफ प्रेशर p2 है और इस तरफ बॉल के इस तरफ प्रेशर p1 है तो आप ये कह सकते हैं कि p2 इज ग्रेटर देन p1। तो इस वजह से यहां पर क्या होता है कि ये जो बॉल का रफ साइड वाला प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है और वो गेंद को हल्का सा इस तरफ स्विंग दे देता है, गेंद हवा के अंदर सीधा जाने की वजह हल्का सा इस तरफ टर्न हो जाती है।
तो इस तरह इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने क्रिकेट बॉल में स्विंग पैदा किया। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल जो है चिमनी। घरों के अंदर अक्सर पुराने आपने देखा होगा जब जिन घरों में नीचे आग जलती थी, आप भी अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहां आग जलाई जाती है, उन घरों में चिमनी रखी जाती है। उस चिमनी का अमल क्या होता है? देखिए घर के अंदर दीवारें बंद है, कमरे बंद है, तो यहां पर क्या होगा कि अंदर एयर स्लो होगी, घर के अंदर एयर स्लो होगी। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इसका बनाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि घर के अंदर एयर स्लो होगी, क्योंकि घर के अंदर जो है वो आपका बंद है जगह, इस जगह पर एयर स्लो होगी। यहां पर V1 जो है, और यहां पर अगर मैं V2 कह दूं और बाहर में V1 कह दूं, तो आप ये देख सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, वजह बाहर हवा छत के ऊपर तेज होगी और अंदर जो प्रेशर होगा वो अगर P2 है और बाहर प्रेशर P1 है, तो आप ये कह सकते हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब अंदर प्रेशर हवा का ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो ज्यादा वाला प्रेशर उस धुएं को बाहर की तरफ चिमनी से धकेलता है और इस तरह चिमनी से धुआं सारा बाहर निकल जाता है। तो ये भी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको अक्सर गांव में जो लोग रहते हैं वो तो उन्होंने ये बात अक्सर सुनी होगी कि भाई ट्रेन के पास नहीं जाना, ट्रेन अपनी तरफ खींच लेती है। अब ट्रेन में कोई वैगन नहीं लगा तो अपनी तरफ खींचेगी। असल में क्या होता है कि अगर आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन, लेट्स सपोज ये आपके पास एक ट्रेन है, ये इस तरफ को मूव कर जा रही है, आप इस फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़े होते हैं ना, आप कहते हैं वो उसने उन्होंने लगाया होता है क्या कहते हैं उसे फाटक वगैरह लगा होता है, बाड़ लगी होती है कि इससे आगे नहीं जाना। वजह जब आप उससे आगे जाएंगे, मतलब मैं लेट्स सपोज के ये जो व्हाइट बोर्ड है ये ट्रेन है मेरे लिए, मैं इसके पास जब खड़ा हो गया तो इस ट्रेन के तरफ जो हवा की स्पीड होगी वो बड़ी तेज होगी, जबकि मेरे पीछे की साइड पर हवा की स्पीड स्लो होगी क्योंकि वहां से कोई ट्रेन तो नहीं गुजर रही। तो बैक साइड से अगर यहां पर आप बात करें तो ट्रेन की इस जगह पर स्पीड बड़ी तेज है, लेकिन इसके पीछे की तरफ अगर यहां एक पर्सन खड़ा है उसके पीछे की तरफ स्पीड स्लो होगी। तो अगर पीछे स्पीड स्लो है, आगे की तरफ ट्रेन की स्पीड तेज हो गई है, तो प्रेशर लो हो गया होगा। सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वो पीछे वाला हैवी प्रेशर जो होता है वो बंदे को धकेलता है ट्रेन की तरफ, बंदा जाके ट्रेन में बैठता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं दो बोट्स, दो कश्तियां ना पानी में बिल्कुल साथ साथ जा रही हो, दोस्त गप्पे मार रहे हो जा रहे हो, या फिर दो बाइक्स, अक्सर बॉयज ऐसा करते हैं जब कहीं जाते हैं तो साथ साथ बाइक चलाते हैं, साथ साथ बातें कर रहे होते हैं मुसलसल, और बार बार ना बाइक ऐसे बार बार, ये तो आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, बार बार बाइक ऐसे आपकी करीब आ रही थी, बार बार करीब आ रही थी, आगे तो पड़ा खा रहे, बार बार करीब आ रही थी बाइक आपकी। तो वहां पर क्या होता है, आप जब मुसलसल मूव कर रहे तो आपके दोनों के सेंटर में, दोनों बाइक के सेंटर में एयर को गुजरने के लिए जगह कम मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, आप दोनों के सेंटर में जब आप चल रहे हैं तो वहां पर एयर की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है दोनों के सेंटर में, ठीक है, और साइडों पर एयर की स्पीड नॉर्मल होती है क्योंकि वहां पर तो इतनी स्पीड तेज नहीं है। मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ नहीं पॉइंट आ रहा है, देखिए जब दो बाइक्स जा रही है ना, उन दोनों बाइक्स के आगे मूव करने की वजह से वहां पर स्पीड होती है तेज, बाइक के इस तरफ भी, बाइक के इस तरफ भी, लेकिन बाइक के अगर इस तरफ की बात करो, यानी दो बाइक्स ऐसे इकट्ठी जा रही है, दो बाइक्स है, ये दो बाइक्स ऐसे इकट्ठी जा रही है, इन दो बाइक्स के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्पीड तेज होगी, लेकिन इस तरफ खाली जगह बड़ी पड़ी हुई, इस तरह आपके पास एक तेज बस गुजरे ना तो आपको हवा अच्छी खासी, आप हिलते हैं, हवा झटका फील होता है, वजह कि बस के दोनों तरफ हवा तेज होती है, लेकिन बाइक के इस तरफ बड़ी खाली जगह, इस तरह इसी बाइक के इस तरफ भी बड़ी ज्यादा खाली जगह है, लेकिन सेंटर में खाली जगह कम है, सेंटर में इस बाइक की भी जो स्पीड तेज हुई थी हवा की वो भी शामिल है, सेंटर में इस बाइक की जो स्पीड तेज थी वो भी शामिल है, सेंटर में स्पीड हो गई डबल तेज, इस तरफ तो सिंगल तेज है, इस तरफ भी सिंगल तेज है, सेंटर में स्पीड हो गई डबल तेज। अब सेंटर में स्पीड डबल तेज होगी तो सेंटर में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरफ भी प्रेशर ज्यादा, इस तरफ प्रेशर ज्यादा, तो वो बेसिकली दोनों तरफ से जो ज्यादा प्रेशर होता है वो बाइक्स को बार बार आपस में धकेलता है, वैसे बाइक्स जाने की बार बार ऐसे जा रही है, बार बार ऐसे बार बार करीब आ रही होती है। तो ये भी आपकी यही एग्जाम्पल है। इसके बाद कार्बोरेटर आपका, या आपको पता है अगर आंधी तूफान आए ना तो पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं उनकी खिड़कियां बंद नहीं करते, एक आधी खिड़की, एक दो खिड़कियां दोनों तरफ से खोल देता है हवा गुजरती रहे, अगर सारी खिड़कियां बंद करोगे अंदर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, अक्सर आपने सुना होगा छत का घर का छत ऊपर उड़ गया, वजह अंदर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, वो प्रेशर बेसिकली उस छत को बाहर की तरफ तोड़ के धकेल देता है, लकड़ी के छत होते हैं उनके इलाकों में। तो इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स है, मैंने कोशिश की है कि कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको ये टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करने की, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए टॉपिक इस्तेमाल होता है, अगर लॉन्ग आ जाए तो इस तरह प्रूफ करके आगे किसी एक एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, चार पांच लाइनों में, इंशाल्लाह आपको पांच नंबर मिल जाएंगे, बाकी दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।